भी कभी अपराध के साथ भावनाएं जुड़ती हैं, इमोशन जुड़ते हैं, तो उसमें सस्पेंस और थ्रिल अपने आप आ ही जाता है। लेकिन कुछ घटनाक्रम ऐसा होता है कि फिर उसको जर्नलिस्ट ना होते हुए जर्नलिस्टिक अप्रोच के साथ उस पूरे के पूरे मामले को निपटाने के लिए अपने आप को एक्टिव कर, जो डिफरेंस होता है पावर और स्ट्रेंथ के बीच का, वो आपको इस कैरेक्टर में निश्चित रूप से देखने मिलेगा। सेंसिटिव विषय को और थ्रिलिंग विषय को और एक मिस्ट्री को अपने आप में प्रेजेंट करना और फिर उसको अनफोल्ड करना, ये डायरेक्टर और लेखक ने इतने अच्छे से किया है। देखिए, ये मर्डर मिस्ट्री है और जैसा कि पूरा का पूरा इसमें सस्पेंस है, थ्रिलर है, ड्रामा है, इमोशन है और क्राइम है। ओके। तो जब भी कभी अपराध के साथ भावनाएं जुड़ती हैं, इमोशन जुड़ते हैं, तो उसमें सस्पेंस और थ्रिल अपने आप आ ही जाता है। मैं इसमें पीटर फर्नांडिस नाम के एक जर्नलिस्ट का किरदार कर रहा हूँ, मतलब मैं आपका ही रोल कर रहा हूँ। अच्छा। कि जो रोल किरदार आप लोगों का होता है जी। तो जो एक जर्नलिस्टिक अप्रोच होती है किसी भी रहस्य तक, किसी भी सस्पेंस तक पहुँचने का, तो एक उस किस्म के किरदार को मैं कर रहा हूँ जो रिटायर्ड है और उसने अर्ली रिटायरमेंट ले लिया है। ओके। क्योंकि वो अब जिस तरीके का जर्नलिज्म वो देखता है पीटर फर्नांडिस, तो वो ये फैसला करता है कि यार अगर ये जर्नलिज्म की आज की तारीख में अगर ये अप्रोच हो गई है तो फिर बेहतर है कि मुझे बहुत सुखपूर्वक अपने घर में अपना काम करना चाहिए, अपने परिवार के साथ बिताना चाहिए। तो फैमिली मैन है, पत्नी है, बच्चा है उनका, और वो अपना पूरा का पूरा जीवन बहुत अच्छे से जी रहा है। लेकिन कुछ घटनाक्रम ऐसा होता है कि फिर उसको जर्नलिस्ट ना होते हुए जर्नलिस्टिक अप्रोच के साथ उस पूरे के पूरे मामले को निपटाने के लिए अपने आप को एक्टिव करें। तो आपका कोई ड्रीम रोल है जो आप कर चुके हैं या करना चाहते हैं? अभिनेताओं की सबसे अच्छी बात होती है कि उनके बहुत सारे सपने होते हैं, राइट, और सपने लगातार पूरे करते रहने की प्रक्रिया का नाम ही जीवन है। तो बहुत सारे किरदार हैं, बहुत सारे स्वप्न हैं जो मैं करना चाहता हूँ और परमात्मा की कृपा से हो रहे हैं लगातार। सर, आपको कोई ऐसे आगे हम कोई प्रोजेक्ट में देखेंगे जिसमें आप कुछ नया हमें देखने को मिलेगा सर? मतलब इसी प्रोजेक्ट में देखेंगे, जैसे आपने कहा कि हमेशा आपको आपने ओवरपावरिंग रोलों में देखा है, हाँ हाँ, तो इसमें जो मर्डर इन माहिम में आप देखेंगे जो पीटर फर्नांडिस है, वो बहुत ही सबड्यूड कैरेक्टर है। okay. और बहुत लो प्रोफाइल पे और लो की वाला किरदार है जो बहुत अपने हिसाब से अपने, इसमें आपको पावर नहीं दिखेगा हमारे किरदार में, लेकिन इसमें आपको स्ट्रेंथ दिखाई देगी। अच्छा। तो जो डिफरेंस होता है पावर और स्ट्रेंथ के बीच का, वो आपको इस कैरेक्टर में निश्चित रूप से देखने मिलेगा। साथ में अभी जियो के ऊपर ही हमारी अभी 25 तारीख को रणनीति नाम की गई है, तो जी। मैं बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि इन दोनों किरदारों को सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर आप देखिए, आप पाएंगे कि बिल्कुल उनमें जमीन आसमान का अंतर। जो रणनीति का लकीब है और मर्डर इन माहिम का जो पीटर है, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर आपको दिखाई देगा। तो ये तो किसी भी अभिनेता के लिए गर्व की बात है, आनंद का विषय होता है। यस। और आप दोनों बहुत ही बड़े अभिनेता हैं, एक्टर्स हैं, तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस बताएं साथ काम करने का, कैसा रहा एक्सपीरियंस? भाई मुझे तो मेरा आधा काम बहुत आसान हो गया, जैसे ही हमने जब देखा कि हमारे मित्र विजय राज, और विजय बहुत फितरती और बड़े गुणी और बड़े चमत्कारी अभिनेता है, और इनके अंदर जो गुण है वो ये है कि ये किसी भी मोमेंट पे आपको सरप्राइज कर सकते हैं। तो आधा काम किसी भी को एक्टर का इनके साथ अपने आप में सफल हो जाता है, यदि वो इनको बहुत सजगता से देखता रहे तो आप देखेंगे कि अपना काम तो करते ही करते हैं जी। लेकिन सामने वाले एक्टर के अंदर भी बहुत सारे काम अपने आप निकलवा लेते हैं। ईमानदारी की बात है, मेरा आधा काम इन्होंने किया है और वो आपको देखने मिलेगा। सर आप बताएं, होता है मतलब जब जब अपना काम जो थोड़ा बहुत भी जानता है अभिनेता, तो जब इस तरह के साथ में जब काम करने का मौका मिलता है ऐसे व्यक्तियों को, तो वाकई काम आसान तो हो ही जाता है। तो मुझसे इनका कितना आसान हुआ ये मुझे नहीं पता, बट हाँ आसान तो होगा। सर, सीरीज में LGBT सब्जेक्ट के बारे में भी बात की है, बताया है, तो इसमें आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, इसमें एक
क्योंकि सीरीज में आप अगर देखेंगे तो जो विजय का कैरेक्टर है उस कैरेक्टर में आपको थ्रू आउट क्राइम की इन्वेस्टिगेशन